नमस्कार दोस्तों। तो हम घर गए हुए थे, तो वहाँ अगर जाएंगे और नर्सरी ना जाए ये तो हो ही नहीं सकता है। तो नर्सरी, रोड साइड नर्सरी जो भागलपुर में है घंटाघर में, वहाँ ही हम जाते हैं बराबर प्लांट लाने के लिए। तो देख सकते हैं दोनों तरफ नर्सरी है, तो कुछ कोई गमले भी बेचता है, कोई केवल पौधा बेचता है, कोई खाद भी बेचता है। इस तरह से सारे नर्सरी हैं, तो सब में ढूंढ ढूंढ के मैं पौधे ले रही थी। और सारे पौधे इतने अच्छे लग रहे थे कि लगता था कि सारे पौधे मैं खरीद लूं। लेने गई एक दो पौधा और 10-12 पौधे लेकर मैं आ गई। पता नहीं क्यों, पौधे से जी ही नहीं भरता। और देख लीजिए ये फ्लावर सब कितने सुंदर, देखने के बाद तो मन करता है कब ले लूं। एक जोरा के पिंक कलर के, रेड कलर के, येल्लो वाइट, तो येल्लो वाइट तो ली हूँ और दिखाऊंगी आपको क्या क्या ली हूँ। क्रोटन का देखिए प्लांट कितना सारा, और अड़हुल तो एक से एक था, हर कलर का अड़हुल था। मन तो बहुत था लेने का, लेकिन कितना प्लांट लेती, इतना सारा प्लांट ले ली थी तो फिर नहीं ले रही थी। और हम पपीता का प्लांट ढूंढ रहे थे क्योंकि हमको पपीता लगाना है। तो साइड पौधे तो हमने लगभग खरीद लिए थे, तो पपीता का प्लांट मिल नहीं रहा था, तो वही हर नर्सरी पर जाकर मैं ढूंढ रही थी। तो देख लीजिए कि अड़हुल कितने कलर का है, पिंक है, रेड है, देखिए कितने, और इधर येलो वगैरह सब था, बहुत तरह का, बड़ी बड़ी एकदम रेड कलर का, देखिए ये सब देखिए कितना। और ये एग्लोनीमा देखिए कितना सुंदर लग रहा है, एग्लोनीमा इतना लग रहा है कि सारे प्लांट मैं ले आऊँ वहाँ से, इतने सुंदर लग रहे हैं देखने में ये नर्सरी। आप जाइए और आपको ठीक ही रिजनेबल दाम में मिल जाते हैं, थोड़े बहुत जो है बार्गेलिंग भी आप कर सकते हैं। तो देखिए ये लोग बेच रहे हैं और हम इधर उधर ढूंढ रहे हैं। और देखिए लक्ष्मी कमल और कृष्ण कमल, ये जो है बहुत ज़्यादा महंगा बोल रहे थे इसलिए नहीं लिए, लेकिन लेंगे तो ज़रूर अगली बार। तो इस तरह से देखिए, तो हम पपीता का प्लांट ढूंढ रहे हैं, तो ढूंढते ढूंढते मुझे मिला पपीता का प्लांट, और दो मैं प्लांट वो भी ले ली, और बहुत सारा प्लांट मैं ले ली। अब प्लांट लेकर तो घर आना है, तो घर आ गए। अब ये देखिए राखी बेल हम देख रहे हैं, अब घर आ गए, घर आ गए हैं तो सारे प्लांट को, अब मैं विद्यालय से भी आ गई हूँ तो सारे प्लांट को छत पर ले आई हूँ। और इस तरह से देखिए सारे प्लांट को मैं वाटरिंग कर रही हूँ। और देख लीजिए क्रोटन कितना सुंदर है, पहले वाला क्रोटन है, और इस बार भी मैं 2 क्रोटन का प्लांट लेकर आई हूँ। रबर प्लांट देखिए कितना बड़ा है, क्रोटन प्लांट है, राखी बेल है, और स्नेक प्लांट है, डेनियम है, मधुकामनी है, एक्जोरा है 2 कलर का, तो ये सब प्लांट लेकर आई हूँ। स्नेक प्लांट तो बहुत अच्छा प्लांट है ना, कि लगा दीजिए आपको फिर कोई दिक्कत नहीं। और रेड वाला तो आप देखे ही हैं मेरे पास, कितने सुंदर फ्लावर इसमें खिलते हैं, इसीलिए मैं वाइट और येलो ले आई कि ये रहेगा गार्डन में, तो जब फ्लावर खिलेंगे एक साथ तो बहुत सुंदर लगेंगे। और मधुकामनी भी देखिए, इसमें भी छोटे छोटे फ्लावर होते हैं। तो इस तरह से ये सब प्लांट मैं लेकर आई हूँ वहाँ से खरीद कर, और धीरे धीरे मैं सबको लगाऊंगी। अभी 2-4 दिन मैं ऐसे ही रहने दूंगी गार्डन में, अभी मैं ऐसे नहीं लगाऊंगी क्योंकि इसको सेट होने दूंगी। और ये पहले वाला क्रोटन देख सकते हैं आप, ये भी बहुत अच्छे से ग्रो कर रहा है, कलर भी बहुत अच्छा दे रहा है। और ये एक और क्रोटन है, तो ये देख सकते हैं रबर प्लांट जो है गमले में लगा हुआ ही था, और बहुत बड़ा प्लांट है तो इसलिए मैं ले लूँ हूँ ले ली हूँ। तो देखिए ये 150 में मुझे दिया है रबर प्लांट, मुझे तो लगता है ठीक ही दाम लिया। और ये एग्लोनीमा देखिए 100 में दिया है, और बहुत अच्छा बूसी प्लांट है, दो किसी में 2 है किसी में 3 है प्लांट, तो मुझे बहुत अच्छा लगा। दोनों का कलर थोड़ा थोड़ा डिफरेंस है इसीलिए मैं ले ली, मुझे बहुत अच्छा लगा, छोड़ने का मन ही नहीं किया। और ये देखिए पहले वाला जो मेरी बहन गिफ्ट में दी थी, ये एग्लोनीमा है, तो इसमें पानी थोड़ा सा स्प्रे कर देते हैं क्योंकि इसको स्प्रे बहुत पसंद है, और गर्मी भी बहुत ज़्यादा है, स्प्रे नहीं करेंगे तो प्लांट जो है सूखने लगेगा। और ये देख लीजिए एरोहेड प्लांट सिंगोनियम, इसका भी अलग ही लुक है, बहुत सुंदर गार्डन में लुक देता है, और ये प्लांट भी और अच्छा है। तो इस तरह से आप लोग, मेरा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब दोस्तों करेंगे, कमेंट भी करेंगे, और
शेयर भी करेंगे दोस्तों को। देखिए इस तरह से मेरा प्लांट का खरीदारी तो हो गया, अब धीरे धीरे मैं गार्डन में इसको लगाऊंगी। और ये मैं मीशो से मंगाई हूँ चिड़िया के लिए, एक में खाना एक में पानी, तो इस तरह से मैं टांग दी हूँ। मेरे गार्डन में भी चिड़िया आएगा तो आप लोगों को ज़रूर दिखाऊंगी। तो अच्छा लगे वीडियो तो लाइक सब्सक्राइब जरूर करेंगे दोस्तों। धन्यवाद।